तिरंगे का मान सम्मान करेंगे सभी लोग। ये नहीं है कि तिरंगा लगा दिया और उसको काम लेने के बाद फेंक दिया कर दिया ऐसा। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आपको तिरंगे दिख रहे हैं लहराते हुए। गर्व की बात है कि हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी सबकी घर की छतों पर लगाया है। मैं आज हूँ मेरे गांव पांच लखोट में, हर घर तिरंगा अभियान के तहत देखिए आप लोग तिरंगे तिरंगे। दोस्तों, ये मेरे गांव की ढाणियाँ हैं, हर घर तिरंगा लगा हुआ है, हर घर तिरंगा अभियान अमृत महोत्सव के तहत। और मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है आप देखिए। आजादी के अमृत उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत उत्सव की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसी वर्ष शुरू की थी और इस कड़ी में देश के सभी देशवासियों को सूचित किया था कि आप भी अपनी छतों पर झंडे फहराना। तो इसी कड़ी में हमने भी हमारी लाइब्रेरी के ऊपर ध्वजारोहण किया है। तो गर्व की बात है कि हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी सबकी घर की छतों पर लगाया है। तो इसी कड़ी में हमने भी हमारी लाइब्रेरी के ऊपर ये तिरंगा झंडा लगाया है। तो ये बड़ा ही गर्व का बात है और आज आज़ादी के 75 साल पूर्ण हुए, तो हम सभी को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रकाश खारी। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आपको तिरंगे दिख रहे हैं लहराते हुए। स्वतंत्रता दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनोज लाल चौहान, महाशाहपुरा टेलर्स, पांच लखोट से बोल रहा हूँ। मैंने भी अपने घर पर तिरंगा लहराया है। हर घर पर अभियान चल रहा है, हर घर पर तिरंगा, आप भी लगाओ। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, वंदे। हर घर तिरंगा अभियान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने अपने घर पर तिरंगा लगाया है? हाँ, लगवाया है। और हर आदमी को लगाना चाहिए? हर आदमी को लगाना चाहिए। अच्छा, जय प्रकाश, आप भी दे दो। वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र और ये 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व है हमारा भारत का। उसमें सभी को हर घर तिरंगा अभियान का केंद्र सरकार की ओर से बोला है, तो हर घर तिरंगा लहराना, सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे और तिरंगे का मान सम्मान करेंगे सभी लोग। ये नहीं है कि तिरंगा लगा दिया और उसको काम लेने के बाद फेंक दिया कर दिया, ऐसा करना वंचित है सभी के लिए। ऐसा नहीं करना है किसी को। तिरंगा लगाने के बाद उसको सही समेट कर और घर में रख लें ताकि आगे काम आ सके अगले 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस की सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मैंने भी अपने घर पे तिरंगा लगाए हैं और आप सबसे भी अपील है कि अपने अपने घर पे तिरंगा लगाएं और 16 तारीख को सुरक्षित उतार के अपनी पेटी में, अपनी संदूक में कहीं भी रख लें, सुरक्षित रखें कहीं भी, और आपके काम आएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।